हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रामकृष्ण मिशन आईटीआई यूट्यूब चैनल। आज हम रेफ्रिजरेंट चैप्टर की दूसरे एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी सामान, कोई भी चीज़ जब हम यूज़ करेंगे अपने घर में, यहाँ पे अपने काम में, तो हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि क्या ये सामान किसी भी तरह अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को कोई किसी तरह का हानि करेगा। इसके ऊपर भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, पर्यावरण को ख़राब करता है, तो उस चीज़ को यूज़ करना सही नहीं होता है। तो वो कैसे ख़राब नहीं करेगा पर्यावरण को, उसके ऊपर ध्यान रख के ही हमको उस चीज़ को यूज़ में लाना चाहिए, काम करना चाहिए। तो उसी संदर्भ में जो रेफ्रिजरेंट्स हम लोग रेफ्रिजरेटिंग मशीन्स में यूज़ करते हैं, अगर उसका कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रहा, बैड इम्पैक्ट रहा, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके ऊपर हमने टोटल स्टडी करना चाहिए, टोटल चीज़ जानना चाहिए कि कौन सा रेफ्रिजरेंट क्या पर्यावरण पे क्या इफेक्ट डालेगा, एनवायरमेंट पे कैसे इफेक्ट डालेगा, क्या क्या कुछ ख़राब करेगा या नहीं करेगा। इसके ऊपर जानने के बाद ही हमें काम पे लाना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम एक टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे, जिसको हम नाम दिए हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट, और जिसमें दो टॉपिक आता है, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को डिस्कस करूंगा। क्या हुआ था, इन द मिड ऑफ 90s जो रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं उसके ऊपर साइंटिस्टों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखे हैं कि कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट का इफेक्ट जो है एनवायरमेंट में आ रहा था उस समय। तो उस पॉइंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया और उसका नाम रखा है, उस पॉइंट का नाम रखा है ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में ओडीपी बोला जाता है। तो इस स्टडी में उन्होंने देखा कि कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं उनपे कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि पर्यावरण के, हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, आयोनोस्फियर, थर्मोस्फियर, तो ये जो लेयर होते हैं उन पे ट्रोपोस्फियर होता है फर्स्ट, और फिर होता है सेकंड होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, हमारा पर्यावरण में नेचुरली एक अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह एक चीज़ है, जहाँ पर ओजोन गैस का एक लेयर फैला हुआ है। ये एटमोस्फियर में 10 से लेके 15 किलोमीटर तक ये लेयर फैला हुआ है, और वहाँ पे क्या होता है, नेचुरली ओजोन का एक लेयर है। तो वो ओजोन का लेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे धरती के लिए एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, छतरी की तरह काम करता है। अब सोचिए, आप अगर बारिश में निकले हैं छतरी लेके, और उस छतरी में अगर बहुत सारे होल हो जाए तो क्या होगा, फिर आपका छतरी यूज़ करने का पर्पस ही नहीं रहेगा, उससे पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, आप भीग जाएंगे। तो उसी तरह वो जो छतरी है, नेचुरल जो ओजोन का एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसमें क्या करता है, रेफ्रिजरेंट का कुछ कुछ कंपाउंड्स जाके उसमें छेद कर रहा था। तो उन साइंटिस्टों ने उस स्टडी का नाम दिया ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल, मतलब कौन सा रेफ्रिजरेंट का कितना पोटेंशियल है ओजोन को खराब करने का। तो फिर उसमें और स्टडी हुआ, स्टडी होने के बाद देखा गया कि उस समय जो रेफ्रिजरेंट यूज हो रहे थे CFC एंड HCFC कैटेगरी का जितना भी रेफ्रिजरेंट है, ये हेलोजन ग्रुप का है। इसमें क्या होता है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो इसमें से मुख्यतः क्लोरीन जो है वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट से रिलीज होने के बाद अगर लीक हो जाता है या फिर छोड़ देते हैं किसी ने ऐसी एटमॉस्फेयर में, वो क्लोरीन जाके क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद ये क्लोरीन क्या करता है, Cl+O3, O3 होता है ओजोन का केमिकल सिंबल। तो वो क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्शन करके इसको क्या करता है, ऑक्सीजन, इसको O2 और O में डिवाइड कर देता है। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और यह क्लोरीन ऑक्साइड बन के निकल जाता है। तो उससे क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर में जो ये, अगर मान लीजिए मेरा धरती है और यहाँ पर ओजोन का लेयर है और ये सन है, तो सन जो रेस हमें धरती में भेजता है, सन के साथ क्या होता है, सन की रेस के साथ बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आता है धरती में।
तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक्चुअली ये ओजोन गैस क्या करता है, धरती में आने से रोकता है, उसको वहीं से रिफ्लेक्ट करके स्पेस में भेज देता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती में आ जाता तो वो क्या करेगा, हमारे स्किन कैंसर करेगा, स्किन में बहुत सारे डिजीज करेगा, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस होगा, हमारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, जानवरों पे अफेक्ट करेगा, या फिर धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिसमें ग्लोबल वार्मिंग होगा, बर्फ गल जाएगा, पानी का लेयर, बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट हो जाता अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी धरती में आ जाता। तो वो ओजोन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या करता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धरती में आने नहीं देता है। जैसे मैंने पहले बोला था, एक प्रोटेक्टिव छतरी की तरह काम करता है। इस छतरी में ये क्लोरीन जाके क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करके इसको ऑक्सीजन और CLO बन के एटमोस्फेयर में निकाल देता है। तो वहां पे एक छेद सा हो जाता है, मतलब ओजोन वहां से खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होगा, एटमोस्फेयर में बहुत सारा, धरती में बहुत सारा प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। तो इसमें और देखा गया फर्दर स्टडी में, एक क्लोरीन का एटम 1,00,000 एटम ऑफ ओजोन को खराब करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक क्लोरीन एटम अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया तो वो जाके ओजोन लेयर में 1,00,000 एटम जो है ओजोन का उसको खराब कर देगा। मतलब बहुत सारा एरिया को वो क्या करेगा, वहां पे शील्ड को खत्म कर देगा और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आराम से धरती में आ सकता है। तो उससे काफी सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फिर और देखा गया कि जैसे CFC और ACFC दो रेफ्रिजरेंट है, देखा गया जिस सब्सटेंस में क्लोरीन का मात्रा बहुत ज्यादा है वो क्या करता है, एटमोस्फेयर में उतना ही खराबी करता है। जैसे यहां पर ACFC में 1 क्लोरीन है और CFC में 3 भी क्लोरीन हो सकता है, 2 भी क्लोरीन हो सकता है। तो इससे क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया CFC वाला रेफ्रिजरेंट, तो वो जाके एनवायरमेंट में बहुत खराबी कर रहा था और ओजोन लेयर को बहुत हानि पहुंचा रहा था। तो इस कारण से इस स्टडी का नाम दिया गया ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल। और तब डिसाइड किया गया कि CFC ग्रुप के जितना भी रेफ्रिजरेंट है उनको बंद किया जाएगा, उनको धीरे धीरे बंद किया जाएगा और ACFC को भी धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा ताकि वो एटमोस्फियर को फर्दर खराब ना कर पाए। तो उसी स्टडी में R11 CFC ग्रुप का रेफ्रिजरेंट है, R12 ये सारे जो रेफ्रिजरेंट्स है CFC ग्रुप के, उसका ODP देखा गया 1 है और HCFC-22 जो ग्रुप का रेफ्रिजरेंट है उसका ODP 0.5 है। ये नंबर से डिनोट किया जाता है ODP को। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि ODP कैसे डिनोट करते हैं और कितना होता है। तो इसको मार्केट से हटा देने के बाद अब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में क्लोरीन नहीं जा रहा है और हमारा जो ये ओजोन का लेयर है वो प्रोटेक्ट हो जा रहा है। तो इस स्टडी का नाम है ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के लिए, जानना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा टोटल डिस्कशन था ODP के ऊपर। फिर और एक चीज स्टडी में आया जिसका नाम पर्यावरण के ऊपर इफेक्ट होता है रेफ्रिजरेंट का, जिसका नाम दिया गया ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जिसको बोला गया GWP। देखा गया कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे जिसमें कार्बन होता है। पहले मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है वो समझा देता हूं। एक्चुअली एटमॉस्फेयर में जनरली कुछ कुछ गैस होते हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन का एलिमेंट्स। तो वो सब क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि जब सन रेज हमारे धरती में आता है, सन रेज जब हमारे धरती में आता है तो धरती में आने के बाद क्या करता है, ये अगर धरती हुआ अर्थ और ये सन रेज आया धरती में, आया आने के बाद नेचुरली क्या करता है, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट कुछ सन रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद रिमेनिंग कुछ कुछ सनरेज को वो क्या करते हैं, स्पेस में भेज देते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है।
एटमॉस्फेयर के थ्रू स्पेस में भेज देते हैं। तो एटमॉस्फेयर में हमारे कुछ कुछ गैसेस होते हैं जो रिफ्लेक्टेड रेस को कैच कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने से क्या होता है, वो हीट जो है, जो अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद जो हीट जा रहा था, उस हीट को वो ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। तो उससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसका एक बैड इम्पैक्ट भी है और गुड इम्पैक्ट भी है। गुड इम्पैक्ट ये है कि ये जो हीट हमारे अर्थ में पकड़ा जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है, उस इसके कारण ही अर्थ में जो लाइफ है उसका पॉसिबिलिटी है। अगर ये गैसेस इस टेम्परेचर को नहीं पकड़ता तो क्या होता, पूरा अर्थ में एकदम बर्फ फैल जाता, ठंड हो जाता पूरा। तो इस कारण से इसका गुड इम्पैक्ट ये है। और बैड इम्पैक्ट ये है, अगर वो जितना हीट ले रहे हैं, ट्रैप कर रहा है, वो अगर बहुत ज़्यादा ट्रैप कर लिया तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो पोलर रीजन है, वहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो मेल्ट होने से क्या होगा, जो समुंदर का लेयर है, पानी का लेयर, वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, निचला स्तर जो है, जो समुद्र के निकटवर्ती जो टाउन है या फिर गांव है, देहात है, वहां पे पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पानी का स्तर बढ़ जाएगा, उससे काफ़ी प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट के संदर्भ में उसको देखा गया, कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जिसमें कंपाउंड्स ऐसे होता है, वो क्या करता है, जो ये हीट ट्रैप करने का प्रोसेस है उसको और फास्ट कर दे रहा है। वो क्या करता है, रिलीज होने के बाद एटमॉस्फेयर में बैठा रहता है और जब सनरेज आते हैं और सनरेज को वो ट्रैप कर लेता है, हीट को पकड़ लेता है। उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। वार्मिंग मतलब गर्म होना, ग्लोबल मतलब अर्थ। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को वो क्या कर रहे हैं, हीट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। और उससे जो मैंने अभी बोला है कि आइस मेल्ट हो जाने का प्रक्रिया जो है वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो इस कारण से ये भी डिसाइड किया गया कि जो जो रेफ्रिजरेंट का ये GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उनको भी मार्केट में आना रोकना पड़ेगा। तो इसमें देखा गया कि जैसे हमारा कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट है R12, इसका GWP है 8500 R12, फिर हम लेंगे R12 लेंगे, फिर R22 R134A और R134A, इसका देखा गया 8500 है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मतलब ये एक तो CFC ग्रुप का है, ओजोन स्तर को खराब करेगा, प्लस इसका GW पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या करेगा, वो हीट जनरेशन के प्रक्रिया को वो फास्ट कर देगा। फिर देखा गया R22, ये HCFC ग्रुप का रेफ्रिजरेंट है, इसका ODP पोटेंशियल था 0.5, इसका देखा गया GWP भी ज्यादा है 1700। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा। फिर R134 है जिसका देखा गया 1300 है, लेकिन ये जो R134 है उसका ODP नहीं है, मतलब ये ओजोन लेयर को खराब नहीं करता है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को बढ़ावा देता है। तो इस कारण से इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। हालांकि आप लोग जैसे जानते हैं रेफ्रिजरेंट में ये फ्रिज में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में ज्यादा यूज होता है, तो इसको भी धीरे धीरे आप मार्केट में आना बंद हो जाएगा, इसके जगह पे दूसरा रेफ्रिजरेंट आजकल यूज हो रहा है, जैसे हाइड्रोकार्बन। तो ये था एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में। एक पहला पॉइंट था ओजोन डिप्लेटेड पोटेंशियल और दूसरा था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इसके ऊपर आप लोग अगर फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो आप बुक का, अच्छा अच्छा बुक का रेफरेंस ले सकते हो, मेरा वीडियो भी आप देखो, देखने के बाद उसको पढ़ो, तो पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ और डिस्कशन हो तो अच्छा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग खुद देखें, सीखें या फिर लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। ओके, थैंक यू।